रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन है। रूस ने बुधवार को सीज फायर की घोषणा की है, जिससे युद्ध में फंसे नागरिकों को निकाला जा सके। सुमी, खार्किव, चेर्निहिव, जपोरिजिया शहरों में युद्ध विराम रहेगा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कालूखेड़ा गांव में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे के चेहरे को कुत्ते ने इस कदर नोच डाला कि उसके चेहरे पर 100 टाके लगाने पड़े। महज 20 से 25 सेकंड में कुत्ते ने बच्चे को इस कदर घायल कर दिया कि उसके आंख, नाक और होंठ सीने में डॉक्टर को 1.5 घंटा लग गए। बच्चे की हालत देख डॉक्टर भी विचलित हो गए। भीलवाड़ा जिले के कालूखेड़ा गांव के प्रहलाद गुर्जर का 5 साल का बेटा गोपाल गुर्जर घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, उसी समय कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कभी जीत नहीं होगी, क्योंकि रूसी आक्रमण में फंसे नागरिकों की दुर्दशा पर वैश्विक आक्रोश बढ़ता है। यूक्रेन को कभी भी पुतिन जीत नहीं पाएंगे। पुतिन एक शहर लेने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वह कभी भी देश पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव नतीजों से पहले तमाम जगहों पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वोटिंग में हेरफेर की आशंकाओं के बीच मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की निगरानी में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश ईवीएम की निगरानी के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं का कानपुर में एक अनोखा रूप देखने को मिला। कानपुर में ईवीएम स्थल के बाहर आधी रात को सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने ढोलक मंजीरों के साथ कीर्तन किया। ढोलक की थाप और मंजीरों की धुन पर सपा कार्यकर्ता नाचते और गाते नजर आए। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।